गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में मां पीताम्बरा मंदिर जाकर दर्शन किया और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सली और आतंकी संगठनों का सफाया किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के सोनागिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक दिवसीय शिविर में भाग लिया। उन्होंने बालाघाट किरणापुर क्षेत्र के ग्राम बोरबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली की जानकारी दी और कहा कि कोई भी आतंकी संगठन हो उसको खत्म किया जाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में डाकुओं का सफाया हुआ है, उसी तरह नक्सलियों और सिमी जैसे संगठनों का सफाया होगा। उन्होंने कहा अगले सप्ताह वे स्वयं बालाघाट जाकर पुलिस के जवानों को सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ दौरान जो भी मारे जा रहे हैं या तो गुंडे हैं या नक्सली हैं। उन्होंने कहा किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सली गतिविधियों को विराम लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी, चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे रतलाम नीमच की घटना हो, जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो सब या तो गुंडे थे या आतंकवादी थे या नक्सलाइट थे। ये मध्य प्रदेश की धरती है या कानून का राज्य है, कोई नक्सली गतिविधि यहाँ नहीं चलने देंगे, ना सिमी का नेटवर्क रहने देंगे। जो भी अवैधानिक कार्य करेगा वो मारा जाएगा, इसलिए सब चले जाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।